Woo! कोविड टेस्ट लेना ही पड़ रहा है हम लोगों को। कभी सोचा नहीं था एनिवर्सरी के दिन कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लू बिंदी कंट्रास्ट में और ये वाली कान मैंने जो है मज़ा आता है। चतुर्विद्या नारायण देवतानां स्मरे। खुशियाँ आत्मा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल एनिवर्सरी व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। सबसे पहले तो आपने देखा है कि हम लोगों ने घर पे पूजा रखा था और पूजा भी बहुत अच्छे से किया। पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा रखी थी, गुजराती में थी और मुझे गुजराती पूरी समझ में आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उन्होंने कहा था, ऑप्शन दिया था कि क्या करना है, हिंदी में, संस्कृत में या गुजराती में। तो मैंने कहा गुजराती में करिए, मुझे पूरा समझ में आता है। तो कथा हुई, उसके बाद में सब लोग आए थे, प्रसाद वगैरह सबको दिया। फिर सारे फैमिली वाले थे, तो दोनों साइड के फैमिली वाले थे, डैड के साइड के भी थे और मॉम के साइड के भी थे, तो सब लोग थे। फिर हमने सबको फोटोग्राफी वगैरह कराया सबके साथ में। मैं आपको अभी यहाँ पे पिक्चर्स दिखा देती हूँ फटाफट। उसके बाद सब लोग चले गए। तो आज तो अब आज और कल नहीं, आज ही है एक्चुअली, अब एक दिन ही बचता है हमारे पास राजकोट में, क्योंकि कल दोपहर को हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। हम लोग को अहमदाबाद जाना है पहले और अहमदाबाद से फिर हमारी फ्लाइट मुंबई में हॉल्ट करेगी 6 घंटे का वहाँ पे। पहले हमने ना डायरेक्ट फ्लाइट ली थी, पर अभी सिचुएशन ऐसी है ना, आपको पता ही है फ्लाइट रिशेड्यूल हो जाती है, तो हमारा फिर ऐसा कनेक्टिंग फ्लाइट कर दिया उन लोगों ने, तो वहाँ पे वेटिंग हो जाएगी। तो कल दोपहर को निकलना है, फिर वहाँ पे क्योंकि 9 बजे से पहले अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, फिर लॉकडाउन हो जाएगा तो एयरपोर्ट चले जाएंगे, तो बहुत सारा अभी है, तो कल ही निकलेंगे बेसिकली। तो आज का एक दिन है और आज का एक दिन में हमें 2-2 जगह जाना है। दोनों मामा के घर हम लोग जा रहे हैं। तो पहले दिन में एक मामा के घर जाएंगे, वहाँ पर हमारा लंच है, फिर शाम को वहीं पर चाय वगैरह पियेंगे, फिर वहाँ से दूसरे मामा के घर जाएंगे और वहाँ पे फिर हमारा डिनर है। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे हो सके तो मिलवाऊंगी भी, अगर जितने लोग कंफर्टेबल हो तो। और कल मैंने आपको नानी माँ से मिलवाया था, आज मैं नाना जी से आपको मिलवाती हूँ अंगद के। और अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 और अभी तक कोई उठा नहीं है, मॉम भी सो रहे हैं। अब अंगद तो उठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा था, कुछ मेल भेजना था उसको। मॉम सो रहे हैं, मैं भी सो रही थी, अभी जस्ट मैं सो के उठी। अभी जाती हूँ, उठाती हूँ, उठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि हम लोग को मामा के यहाँ जाना है, तो निकल जाएंगे हम लोग नाश्ता वगैरह करके 12-12:30 तक। 2-3 घंटे हैं। मुझे थोड़ा पैकिंग भी करना है, अगर पैकिंग आज मैं ना करूँ तो फिर कल दिक्कत होगी ना। कल वहाँ से आएंगे हम लोग, हमारा वहाँ पे नाइट स्टे है एक मामा के घर में, रात भर रुकने का प्रोग्राम है, तो रात भर वहाँ पे रुकेंगे, तो सुबह आकर के फिर फटाफट पैकिंग करने का मन नहीं करेगा। तो मैं पैकिंग करके जाऊँगी ताकि आके फिर उतनी मेहनत ना पड़े, वो भी करना है। और हो गया ट्रिप ख़त्म, इतनी जल्दी जल्दी समय भी दिया ना, क्या बताऊँ। अभी लगता है अभी तो आए थे। हेलो, ये हाथी नहीं आ रहे आजकल, मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ ना बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, स्पेशली कबूतर, बहुत सारे, मतलब हजारों की तादाद में। सामने वाली मैंने आपको दिखाया था ना, एक आंटी पानी पिलाती है, तो यहाँ खड़े होके वो देखने में इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो बार बार उड़ते हैं और अलग अलग ऐसे गोल 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 घूमते हैं ना, मजा आ जाता है देखने में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। कितने सारे हैं, मतलब 10,000 होंगे शायद, उतने होंगे आराम से, 10,000 होंगे सिर्फ घर के आगे जो घूम रहे होते हैं। उनकी आवाज भी इतनी अच्छी आती है ना सुबह सुबह, मजा आ जाता है। और ये एकदम ही मतलब मेन सिटी का जो हब है ना, वहाँ पे हमारा घर है। तो ऐसे मेन सिटी में ऐसा कुछ नज़ारा मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए आज की चाय बना रहे हैं हमारे पापा, डैड बना रहे हैं। वहाँ पे अंगद बनाते हैं, यहाँ पे डैड बनाते हैं। मतलब दोनों का ड्यूटी है चाय बनाने का। हम तो बैट्टी भी लेते हैं, हम लोग तो हम बैट्टी नहीं लेते हैं, वो बैट्टी लेते हैं। चलिए चाय पीते हैं, चले अंगद जी। A few moments later. हाँ, आओ तमे हाँ पछी आवशु हाँ एटले के तमे पहेला बधाने घर रोकाई ले पछी अमे आवीए ने तो आपणे बधाई त्यां बधाई जता रहीए हाँ शांति राखते बेठो रान के हमने क्यां जावुं ज नतो मारे हाँ घर छे એટલે જવાનું હા હવે તમે એક જ રહી ગયા છો હવે તમે ને મામા એક જ રહી ગયા છો તમને મનવાની મોડી બધી સમજે છે અને આખી કથા સમજાવી હા પૂરા સમજાવ पंडित जी इतना अच्छा से कराते हैं वॉइस भी इतना अच्छा है बहुत अच्छा है और फिर भी टाइम पे खत्म किया हां टाइम पे उसका वॉइस भी एकदम क्लियर આવી જાય શું બનાવો છો આंटी રોટલા રોટલા बाजरा नो रोटला बाजरा मिट्टी का पैन में ही बनता है अच्छा तो चिपकता नहीं है और ये यूजुअली रोटी क्या हम लोग ये आयरन का पैन में बनाते हैं ये मतलब मिट्टी का पैन अच्छा कैसा लग रहा है नानी घर आके अच्छा लग रहा है पहले चाचा के घर फिर मम्मी पापा चाचा फिर अब नाना नानी फिर मामा मामी सबका घर हो गया तो माता सिर्फ मासी रह गई मासी तो है नहीं मासी यहाँ पे है नहीं राजकोट में तो क्या करें क्या रिपीटर आपके पूरे काम का नहीं ये मेरे पूरा काम का जो अब तो ऐसा ही पड़ा है क्योंकि दो दुलारी आ गई ना हाँ तक मेरा काम था इतना काम था इतना पर आपका बहुत मैं देखती हूँ ना आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हो ना बहुत कुछ है फिनिश्ड में कुछ है फाइनल में जो अभी मैंने रिसेंटली बनाया वो जो हार बोलते हैं ना हाँ 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 जो कोई फ्रेश हार नहीं यूज करता ना तो इसके लिए तो जो फ्रेश हार नहीं करते तो रेडीमेड ऐसे ही बना है और वो भी तो कर रहे हो ना आप रेडीमेड रंगोली हाँ रंगोली है ना मेरे पास ये सब तो बहुत अच्छा है। मामा का तो अपना अलग बिजनेस है, मामी यहाँ पे ये सब का बिजनेस करते हैं। तो 3-4 लोग आते हैं, वो बनाते हैं ऑर्डर पे और फिर वेडिंग्स पे या किसी को सेलिब्रेशन में कुछ देना होता है तो ये सब चीजें फिर वो बना करके वो भिजवाती हैं। तो उसका है, आप देखो ये कितना सुंदर है। ये इसमें क्या रखने का, वो जो गणेश स्थापना बोलते हैं ना, वो हाँ, गणेश मटली हाँ, जो हाँ, सब लोग इकट्ठे होके ये ऐसे लेके जाते हैं। अच्छा वो है हाँ, मैरिज में ये सारा ही ना हैंड वर्क है, सब बनवाया गया है। और ये देखो हाँ, एक मिनट। तो ये जो पूरा रूम है ना, ये इनका इसी चीज के लिए है। सब बना करके ये स्टोर करते हैं यहाँ पे। और ये देखो आप कितना फाइन काम रहेगा इसमें सब में। एक मिनट, ये ना हल्दी बास्केट है। तो जैसे मैंने आपको मॉम का दिखाया, ज्वेलरी का है और कपड़ों का है, इधर इनका ये है। तो इस तरीके से हर घर में एक मेन बिजनेस होता है। जैसे इन लोगों का भी अपना मेन बिजनेस है कुछ, जो यहाँ पे मामा बैठते हैं, नाना बैठते हैं, और लेडीज लोग फिर घर में कुछ करते हैं जो बहुत यूनिक होता है। ये है ना, देखिए वो लाइट वाली सप्तपदी है जो मैरिज में 7 सोपारी बोलते है ना, 7 सोपारी में मैरिज में सब जो वराजावर वो होते ना, वो सब इसमें पग लगा के उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, तो इसमें लाइट है वो भी लाइट है ना। मुखवा स्ट्रे भी कितना यूनिक था। तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल इन गुजरात, इट विल कम हियर ना। हर एक घर में एक मेन बिजनेस होगा, चाहे फैक्ट्री है, चाहे बड़ी शॉप है, एंड देन ऑल द लेडीज इन द हाउस कुछ ना कुछ उनका ऐसा बिजनेस होगा जो वो घर से ऑपरेट करती हैं या कहीं से भी करती हैं। पर मतलब इनकम सोर्सेज ना ज्यादा होते हैं। जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि एक इनकम सोर्स से नहीं होने वाला है, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स रखना चाहिए। जैसे कि हमारा है, इनका जॉब है, मेरा बिजनेस है। हर जगह यहाँ पे वर्किंग लेडीज आपको मिलेंगी एंड मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि सभी को ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कोई भी मामी ऐसी यहाँ पे नहीं मिलेंगी या मासी जो कुछ साइड का नहीं करती हैं, और साइड का भी ऐसा कि बड़े स्केल पे, ये नहीं कि छोटा मोटा, बड़े स्केल पे बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। देखो एक पूरा रूम डेडिकेट कर दिया है मामा जी ने कि आप अपना यहाँ पे करो, तो ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। अभी ये देखो आप, ये देखो ये ज्वेलरी रखने के लिए शादी में ऐसे सजाएंगे। यहाँ पे नेकलेस होगा, यहाँ पे आपको कड़ा वगैरह आ जाएगा। फिर ये है पूजा की थाली मतलब आपकी वेडिंग को या किसी के भी वेडिंग फंक्शन को स्पेशल बनाता है ये। A few moments later. मैंने बोला मैं नहीं पहचानती, अगर दरवाजा ये खोलता मैं बोलती कुशल है। यानी क्यों जो क्या हाँ है तो और फिर से लेकिन वो ऐसा बोलेगा ठीक है बच्ची है, वो मुझे ही बच्ची समझेगा। सही है। हम लोग सारे मेरे देवर और मेरी मामी सास हम लोग जा रहे हैं आसपास में मैगी और गोला और ये सब खाने के लिए, और मॉम लोग सब लोग सो गए हैं तो हम लोग घूम कर आते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए मेरे साथ में, मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बिजी हूँ तो आई एम सॉरी, पर जितना हो सकता है मैं छोटा छोटा क्लिप आपके लिए ले रही हूँ। छोटे वाले देवर है, सबसे छोटे वाले, और बहुत बड़े हैं वो अलग बात है, पर अंगद से छोटे हैं और मामी है और बाकी दो भी देवर हैं और सब लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। उसके बाद दूसरे मामा के घर जाना है, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे रात का डिनर है। तो चलते हैं, घूमते, कुछ खाते पीते हैं, है ना अंगद जी? कुछ खाते पीते हैं जो करने हम यहाँ पे सिर्फ खा रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए आए, ऐसा लग रहा है मुझे तो बहुत खा रहे हैं। और मैंने ये जीन्स पहन लिया फिलहाल, तो बहुत टेस्टी है। प्रीमियम लॉन्च वाला है ये। कैसा है? मस्त है। कभी नहीं दिया है क्या? पूरा पल्टी है, ग्रेप नहीं है, जामुन है, जामुन का पूरा पिया है क्या? नहीं नहीं क्या शॉट ऐसे है ना, वो अलग अलग फ्रूट के भी जामुन